AKS ऑटोमेशन हैवी ड्यूटी A4 स्पायरल बाइंडिंग मशीन। ये AKS ऑटोमेशन की हैवी ड्यूटी स्पायरल बाइंडिंग मशीन है। इसमें जो ये हैंडल आता है ये अलग से रहेगा, पैकिंग में कुछ अलग पैकिंग में आएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसको आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा। कुछ आपको स्क्रू कुछ नहीं लगाना, डायरेक्टली ऐसे आप इसमें फिक्स कर लेंगे और ये इस तरीके से पंच होगा। ये हैवी ड्यूटी में, इसमें हमारे पास हल्के में भी मिल जाता है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी है, फुल मेटल में है। अब इसके अंदर जो शीट आप पंच करेंगे, और इसकी शीट कैपेसिटी 10 से 15 शीट है, इजीली आप इसमें पंच कर सकते हैं। अभी देखें, यहाँ कुछ मैं सैंपल के लिए पंच करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ शीट इस तरीके से ये लगेगी शीट, ये देखिए, किसी भी डायरेक्शन में जैसे आपको जहाँ कॉपी बनानी वहाँ इस तरीके से प्लेस करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। सेट करने के लिए देखिए, ये आपने शीट लिया ऐसे करके और फिर इसमें यहाँ से इंसर्ट कर दिया। ये इंसर्ट हो गया है, अब इसको हम पंच करेंगे। तो पंच कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये शीट लगा दी मैंने, ये हैंडल है, ये आप नीचे को लाएंगे और ये पंच हो जाएगा और ये ऊपर गया। ये देखिए होल्स, मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी जो मैंने सेट किया उस हिसाब से देखिए ये पंच हो गया है। और इसके अंदर जो रिंग्स लगती है, ऐसे आप पंच कर करके, या जैसे ये पंच हो गया फिर और शीट्स लाए आप, फिर शीट्स लगाई हमने, ये शीट लगाई और फिर हमने इसको पंच किया, ऐसे हम पंच करते जाएंगे। और फिर जैसे ही हमने पंच करा, अब इसको बाइंड कैसे करते हैं। बाइंड के लिए रिंग्स आती हैं हमारे पास, अलग अलग रिंग्स मिल जाएंगी जिस साइज का आपको रिंग चाहिए होगा। जैसे देखिए ये रिंग है, ये आपका 12 mm है, मैं आपको 10 mm भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 10 mm है, और ऐसे ही अलग अलग साइज़ में मिलता है। ये जैसे 10 mm है, तो मैं आपको कोई बड़ा साइज़ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 25 mm है, तो जितने का आपको रिंग की ज़रूरत होगी उस हिसाब के रिंग्स भी हमारे पास मिल जाएगी। प्लस इस पे जो कवर लगता है, 2 types के कवर आते हैं, एक देखिए बैक कवर होता है और एक ये फ्रंट कवर होता है। फ्रंट देखिए ट्रांसपेरेंट में रहेगा, और ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये बैक कवर रहता है, पीछे की तरफ लगता है। 100-100 का पैकेट आता है, 100 शीट रहती है एक पैकेट में। ये 1 by 1 आप पंच करेंगे, सैंपल के लिए देखिए मैं एक ये पंच करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से लगाया आपने, ये देखिए ये पंच हो गया। ये पंच होने के बाद ऐसे दोनों तरफ को पंच करके आप जो आपकी शीट्स रहेगी उस पर फ्रंट पे और बैक पे शीट्स लगाएंगे, और इस पर ये रिंग चढ़ा देंगे। रिंग चढ़ाने के बाद ये आपकी एक कॉपी रेडी हो जाएगी। पीछे भी आप पंच करके दूसरी शीट लगा सकते हैं। रिंग आपको जो है, ये देखिए ये रिंग है, ये आपको कैसे चढ़ानी होती है, ये देखिए जितने की शीट होगी उस हिसाब से आप उसमें रिंग यूज़ करेंगे। अभी मैं सैंपल के लिए आपको थोड़ा सा ही इसमें लगा के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरफ से ये रिंग ऐसे लगती जाएगी, अगर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये रिंग लग जाएगी, और जब पूरी लग जाएगी तो ये कॉपी रेडी हो जाएगी। वीडियो लंबा ना हो तो मैंने सैंपल के लिए आपको दिखा दिया है। ये मैन्युअली आप इसमें रिंग इंसर्ट करेंगे, ये रिंग इस तरीके से इसमें लगती जाएगी जितनी साइज़ रहेगा उस हिसाब से। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। AKS ऑटोमेशन की हैवी ड्यूटी मैनुअल A4 स्पायरल बाइंडिंग मशीन। इसमें हमारे पास A3 लीगल सभी साइज मिल जाएगा। ये सिंगल हैंड पंच है,
और अगर आप इससे लाइट ड्यूटी वाली देखना चाहते हैं वो भी इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विकास सिंह AKS ऑटोमेशन से।